कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में लगातार फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर के काम करने के तरीके और समस्याओं के निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर के जनता दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायत भी पहुंची। दरअसल दीपक रावत ने शनिवार को विगत जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं की लंबित शिकायतों के साथ ही फरियादियों द्वारा मुख्यतः पेयजल, सड़क, पेंशन, भूमि अतिक्रमण, विद्युत आदि की समस्या से संबंधित शिकायतें दर्ज की। दर्ज शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया। आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों द्वारा स्वरोजगार हेतु फर्म एवं व्यवसाय के नाम पर बैंकों से लोन लिया जाता है तथा लोन ली गई धनराशि से व्यवसाय के अलावा किसी अन्य विशेष में व्यय किया जाता है, यह एक गंभीर मामला है। आयुक्त ने बैंक अधिकारियों के साथ ही जीएसटी अधिकारियों को संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है, जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि धनराशि ब्याज पर लेना व देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ, कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई ज़मीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है तितमने के आधार पर, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था, कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं, कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो कि इलीगल है, उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रख दें जहाँ पर लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, जैसे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएँ और बिना बात में बात को आगे ना बढ़ाया जाए।